हेलो एवरीवन, अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है और उनका रिडेम्पशन कन्वर्जन मेथड से होना है, कन्वर्जन मेथड मतलब कि उन डिबेंचर्स को नए डिबेंचर या शेयर में बदलकर उन्हें रिडीम कर देना, ये है कन्वर्जन मेथड। तो अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं और उन्हें कन्वर्जन मेथड से रिडीम किया जाना है, तो इसमें दो स्थिति बनती है, एक कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी और दूसरा कन्वर्जन ऑन मैच्योरिटी। तो कन्वर्जन ऑन बिफोर मैच्योरिटी किया है तो जो समय सवाल में दिया है कि इतने समय के बाद डिबेंचर्स को या इतने वर्ष के बाद, इतने साल के बाद डिबेंचर को रिडीम होना है, उसके पहले ही जो समय दिया उसके पहले ही डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है, यह कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी। और कन्वर्जन ऑन मैच्योरिटी किया है तो भाई जो सवाल में समय दिया हुआ है डिबेंचर को रिडीम करने का, उस समय पर जाकर डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है, तो वो है कन्वर्जन ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, तो हम कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी में क्या सारे जर्नल एंट्रीज होंगे डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, डिबेंचर को नए डिबेंचर में या शेयर में बदलने के लिए, वो जर्नल एंट्री देखते हैं। तो क्या भाई, सबसे पहले तो कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी ना, बिफोर मैच्योरिटी यही है टॉपिक, और इस पे जर्नल एंट्री, डिबेंचर को रिडीम करने के समय क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा अगर डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया गया। तो पहले तो डिबेंचर को क्या करते हैं, जब रिडीम करते हैं तो डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसकी एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, अरे ऐसे कंडीशन नहीं लिखा ना, और ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, अब इसमें दो स्थिति बनेगा, अगर डिबेंचर को एट पार रिडीम किया जा रहा है तो, और दूसरा अगर डिबेंचर को एट प्रीमियम रिडीम किया जा रहा है तो दोनों ही कंडीशन में जो क्या होगा एंट्री में फर्क वो देख लेते हैं। ए, एट पार, अगर डिबेंचर को एट पार रिडीम किया जाना है उस स्थिति में डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री, तो क्या एंट्री होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कौन सा अमाउंट, तो जो भी फेस वैल्यू है इसका उससे डेबिट करेंगे, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहां पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे, कौन से अमाउंट से, तो विथ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ, क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से, तो डिस्काउंट के वो अमाउंट से जो कि अब तक राइट ऑफ नहीं हुआ। क्या है कि जब डिस्काउंट पे डिबेंचर को इश्यू किया जाता है तो जो डिस्काउंट है उसे हर साल किस्त में कंपनी राइट ऑफ करते चले जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो यहां पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कौन से अमाउंट से, जो अभी तक जिस डेट को रिडीम किया जा रहा है, क्योंकि रिडीम तो ये मैच्योरिटी से पहले हो रहा है, तो जिस साल रिडीम हो रहा है तब तक मैं जितना अमाउंट राइट ऑफ हुआ वो नहीं, जो अमाउंट राइट ऑफ नहीं हुआ बचा हुआ है अभी, है ना, उस अमाउंट से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और जो अमाउंट राइट ऑफ हो गया उसके लिए भी क्रेडिट करेंगे, क्या, तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या, विथ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, बात समझ में आ गया, क्या समझ में आया, डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे उसके फेस वैल्यू से और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से, तो जो अमाउंट डिस्काउंट का अब तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से, तो जो डिस्काउंट का अमाउंट राइट ऑफ हो चुका है।
और जो बाकी बच जाएगा उसे डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब उतना ही डिबेंचर होल्डर को दिया जाना है डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्या कौन सा अमाउंट? तो बैलेंस अमाउंट या नेट अमाउंट, ये कैसे तो समझते हैं। जो अमाउंट वाला डेबिट होगा फेस वैल्यू जो भी होगा वो डेबिट होगा, उसमें से ये दोनों जो है घटेगा, घटने के बाद जो भी बच जाएगा वो अमाउंट डिबेंचर होल्डर को पेएबल होगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर डिबेंचर को एट पार रिडीम करना है तो, और अगर ये एट प्रीमियम रिडीम होना है तो क्या करेंगे एंट्री। पहले इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर, और यही अगर प्रीमियम रिडीमेबल है तो क्या एंट्री होगा, एट प्रीमियम, तब डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री होगा भाई, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या फेस वैल्यू जो भी है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या रहेगा, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो यहां पे रहेगा, टू थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, नहीं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को करेंगे क्रेडिट, बिल्कुल उसी तरह, कौन से अमाउंट से तो पता ही है, विथ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट नॉट येट रिटन ऑफ, और क्रेडिट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल को टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे कौन सा अमाउंट, तो विथ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑलरेडी रिटन ऑफ, और बाकी जो भी बचा है बैलेंस अमाउंट वो डिबेंचर होल्डर को पेएबल हो गया, तो उसके लिए टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, बैलेंस अमाउंट या बोले नेट अमाउंट, तो एंट्री में ही फर्क आएगा, अगर एट पार रिडीमेबल है तो ये एंट्री, और अगर एट प्रीमियम रिडीमेबल है ना, मतलब रिडीम किया जा रहा है तो ये एंट्री, बैंक अमाउंट पेएबल या अमाउंट ड्यू वो भी लिखना है टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फाइनल पेमेंट का तो एंट्री सेम ही होना है दोनों स्थिति में, तो भाई पेमेंट यहां कैसे हो रहा है, पेमेंट नगद में थोड़ी कर रहा है, उसके बदले शेयर दिया जा रहा है या डिबेंचर दिया जा रहा है, तो उसके लिए एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, यहां पे कन्वर्जन मेथड है ना, या इश्यू ऑफ शेयर, तो जो शेयर इश्यू किया जाएगा क्या एंट्री होगा उसके लिए भाई, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल, मतलब ये जो इशू किया जाएगा शेयर उसके लिए तो सेमी एंट्री होना है दोनों स्थिति में, पर ये एंट्री में फर्क आएगा, अगर एट पार उसे रिडीम किया जाना है तो ट्रांसफर एंट्री ये हो जाएगा, और अगर एट प्रीमियम रिडीम होना है तो ट्रांसफर एंट्री ये होगा, बाकी इशू का एंट्री तो सेम ही रहेगा दोनों स्थिति में। तो ये हम लोगों ने एंट्री देखा, अब कुछ एक सवाल बना के देखते हैं ये सवाल, ऑन 1st अप्रैल
2019 अशोका पेपर मिल्स लिमिटेड इश्यूड 2010% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। अशोका पेपर मिल्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2019 को अपने 2010% डिबेंचर 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पे इशू किए जो कि रिडीमेबल है 5 साल पूरा होने पर, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स। The whole amount is payable on application, जो issue किया गया डिबेंचर तो सारा अमाउंट एप्लीकेशन के समय ही लिया गया। इट ऑफर्ड द होल्डर्स ऑप्शन टू गेट देयर होल्डिंग कन्वर्टेड इन टू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच आफ्टर 2 ईयर्स। और कंपनी जो है ऑफर दे रही है, प्रस्ताव दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को कि 2 साल के बाद आप अपने डिबेंचर्स को 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं, ठीक है। On 1st April 2021, debenture holders holding कितना ये 5% नहीं है, 500 है, क्या है? On 1st April 2021, debenture holders holding 500 debentures exercised their option of conversion. 1 अप्रैल 2021 को 500 debenture के holders ने इस विकल्प का प्रयोग किया। कौन सा विकल्प? तो जो कंपनी ने ऑफर दिया था कि आप अपने डिबेंचर्स के जगह 2 या 10 रुपए वाले शेयर ले सकते हैं। कहने का मतलब डिबेंचर्स को 10 रुपए वाले शेयर में बदल सकते हैं। इसका यूज कौन किया इससे? तो मात्र 500 डिबेंचर के डिबेंचर होल्डर ने, बाकी ने नहीं किया। तो पहले तो इशू का एंट्री, तो इशू कितना डिबेंचर किया गया है भाई? 2000 डिबेंचर इशू किया गया है और 2000 × 100 2 लाख रुपए होता है। पर इसे डिस्काउंट पे इशू किया गया, कितना डिस्काउंट? 10%, है ना? तो 2 लाख का 10% 20,000, मतलब 20,000 के डिस्काउंट पे इशू किया गया। तो इशू के समय एंट्री, इशू कब होना है? तो 1 अप्रैल 2019 को, तो 2019 में अप्रैल 1 को क्या एंट्री होगा इशू के लिए? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? तो आएगा 1,80,000, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया। तो ऐसे होता है कितना, 2000 शेयर × 100 तो 2 लाख रुपया, पर 10% घटा देते हैं, 2 लाख का 10% 20,000 बाहर किया तो 1,80,000। तो पैसा कितना आएगा? 1,80,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना भाई? 1,80,000, ठीक है। बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब इस एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। तो उसके लिए एंट्री उसी अप्रैल 1 को डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर, अच्छा यहाँ डिस्काउंट है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा? 20,000, 2 लाख का 10% 20,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितना? 2 लाख, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ये तो इशू के समय एंट्री हो गया। अब जब इसे रिडीम करने की बारी आएगी, ठीक है, कब भाई? तो 2021 में ना, 1 अप्रैल को, तो क्या एंट्री होगा? तो 2021 में अप्रैल 1 को, तो 2 साल गुजर गया। सबसे पहले हम लोग सारा डिबेंचर रिडीम नहीं हो रहा है, मात्र 500 डिबेंचर को रिडीम किया जाना है, ठीक है। तो डिस्काउंट तो ये 20,000 रुपए पूरा 2000 डिबेंचर के हिस्से का है, तो 500 डिबेंचर के हिस्से का डिस्काउंट कितना हुआ? शेयर इन
डिस्काउंट फॉर 500 डिबेंचर्स, ठीक है, तो कितना होगा भाई, 20,000 2,000 का है, तो हो गया 20,000 मल्टीप्लाई 500 बटा 2,000, ठीक है, 3,030, तो कितना हो गया, और 2 से काटा 10 बार में कट गया, तो 5,000 रुपया डिस्काउंट जो है उस 500 डिबेंचर का हिस्से का है जिसे कि रिडीम किया जाना है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, तो भाई कितना राइट ऑफ हो गया, तो चूंकि डिबेंचर राइट ऑफ होना था 5 साल में और 5,000 रुपया राइट ऑफ होना था, तो हर साल इक्वल अमाउंट राइट ऑफ होगा, तो 5,000 का 1,000 करके 2 बार राइट ऑफ हो चुका है क्योंकि 2 साल हो गया है और 2 साल के बाद इन्हें रिटर्न किया जाना है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कितना, 5,000 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है, तो कितना हो गया, 2,000 राइट ऑफ हो गया, और कितना राइट ऑफ होना बाकी है, डिस्काउंट ऑन इश्यू येट टू बी रिटर्न ऑफ कितना, तो 5,000 का 3/5, ये राइट ऑफ होना बाकी है, ठीक है, 3,000, समझ गया। अच्छा, डिबेंचर कितना है, 500 जो राइट ऑफ हो रहा है मल्टीप्लाई 100, तो टोटल बनता है 50,000, जिसमें से लेस कर दें हम इसके हिस्से का डिस्काउंट, इसके हिस्से का डिस्काउंट क्या कितना है, 5,000, तो कितना बच गया, 45,000, ठीक है। अब एंट्री करते हैं, रिडीम करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या करेंगे एंट्री, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, तो 50,000 फेस वैल्यू से ये डेबिट करेंगे ना, 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यहां कौन सा अमाउंट देंगे भाई, वो अमाउंट डिस्काउंट कर देंगे जो अब तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो वो अमाउंट ये है जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, 3,000, 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां वो डिस्काउंट का अमाउंट देंगे जो राइट ऑफ हो चुका है, तो कितना राइट ऑफ हो चुका है, 2,000, और बाकी जो बच गया, मतलब ये 45,000 है ना, ये डिबेंचर होल्डर को पेएबल होगा, तो लिख दिया 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 45,000, ठीक है, बीइंग अमाउंट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। अब इसके लिए डिबेंचर इशू किया जाना है, ठीक है ना, कन्वर्जन मेथड है ना, इन डिबेंचर्स के बदले, नहीं डिबेंचर नहीं सॉरी, शेयर इशू किया जाना है, शेयर कितने वाला इशू किया जाना है, 10 रुपए वाला इशू किया जाना है, तो कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है, तो इसके लिए क्या, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो कितना अमाउंट पेएबल है, 45,000, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 4,500 डिबेंचर उन्हें दिया जाएगा, इशू किया जाएगा, उसके लिए एंट्री 2021 में अप्रैल 1 को ही डिबेंचर होल्डर्स
अकाउंट डेबिट कितना, तो 45,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 ठीक है, डिंग 4,500 शेयर ऑफ रुपीज 10 एच इशूड ठीक है, ये बन गया एक सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल, 4,012% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 एच इशूड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years वेयर कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25% बिफोर मैच्योरिटी जर्नलाइज द इशू एंड रिडेम्पशन। क्या है सवाल कि 4,012% डिबेंचर 100 रुपए वाले डिस्काउंट पे इशू किए गए थे 5% डिस्काउंट पे ठीक है, जो कि रिडीमेबल था एट पार मतलब फेस वैल्यू पे उन्हें रिडीम किया जाना था आफ्टर 5 years 5 साल के बाद, जिन्हें बदल दिया गया 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर में और वे 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर जो उन्हें दिए गए बदलकर वो शेयर 25% प्रीमियम पे दिए गए थे और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये बिफोर मैच्योरिटी हो रहा है ठीक है, मैच्योरिटी से पहले। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, पिछले सवाल में और इसमें फर्क क्या है, पिछले में एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ था कि जो कन्वर्जन हो रहा है कितने समय के बाद है ना, मतलब कि कितना समय पहले हो जा रहा है, वहां 5 साल था लेकिन बोला 2 साल बाद ही रिडीम किया गया तो वहां पे हमें समय का सही सही पता था, यहां पे भी बिफोर मैच्योरिटी हम रेडी कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क है कि यहां पे एग्जैक्ट समय नहीं दिया हुआ है, सही सही समय नहीं दिया हुआ है, तो इस स्थिति में ये मान के चलते हैं कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है बिल्कुल भी राइट ऑफ अभी तक नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या एंट्री होगा, तो सबसे पहले तो इश्यू के टाइम में एंट्री जो होगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा भाई, 4,000 शेयर है 100 रुपए वाला तो बनता है 4,00,000 ठीक है, जिस पे डिस्काउंट है कितना 5% 5% डिस्काउंट है तो 4,00,000 का 5% करे तो कितना आएगा 20,000 नहीं 20,000 यानी इशू करके पैसा कितना आया 3,80,000 बाकी 20 रुपए डिस्काउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,80,000 नरेशन बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इसके बाद में क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर, तो उसके लिए एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,80,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 20,000 है ना डिस्काउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू सॉरी 12% डिबेंचर अकाउंट कितना 4,00,000 ये हो गया एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट ठीक है। अब ये दोनों का एंट्री इशू के टाइम में हुआ, एप्लीकेशन मनी लेने का एंट्री और फिर उसे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री। अब जब रिडेम्पशन होगा उस समय क्या करते हैं भाई, जब रिडीम करते हैं तो डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में करते हैं ट्रांसफर
तो उसके लिए एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? तो भाई फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितना? 4 लाख ना, 4000 मल्टीप्लाई 100, 4 लाख। टू, अभी क्या बताया मैंने कि अगर बिफोर मैच्योरिटी रिडेम्पशन हो रहा है, सही है, लेकिन अगर एग्जैक्ट समय नहीं दिया हुआ है, उस स्थिति में ये मान के चलते हैं कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है बिल्कुल भी अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो सारा का सारा जो है क्रेडिट हो जाएगा डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना? 20,000। टू, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना? तो भाई 3,80,000। ये हो गया बेन अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, ये हो गया। अब इससे दिया क्या जा रहा है? 3,80,000 देना है, और वो दिया कैसे जा रहा है? तो 10 रुपए वाले शेयर में, और वो 10 रुपया वाला शेयर जो है कितना प्रीमियम पे? तो 25% प्रीमियम पे इशू किया गया, तो उसके लिए एंट्री नंबर ऑफ, यहीं पे यहां पे कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना इशू होगा, तो इसके लिए क्या होता है अमाउंट पेएबल जो देना है, अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और प्रीमियम पे हो रहा है तो प्लस प्रीमियम, ठीक है। तो अमाउंट पेएबल कितना है? 3,80,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपया, और 10 का 25% कितना होगा? 2 रुपए 50 पैसे, 2 रुपीज 50 पैसे, मतलब 12.5 रुपया, 12 रुपीज 50 पैसे। तो 3,80,000 को 12.5 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 30,400, मतलब 30,400 शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो अब डिबेंचर को इशू करने की एंट्री, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना देना भाई? 3,80,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 30,400 डिबेंचर है ना, 30,400 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो गया? 3,04,000, 30,400 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया शेयर कैपिटल। टू, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 30,400 मल्टीप्लाई प्रीमियम कितना है? 2 रुपया 50 पैसा, तो 30,400 मल्टीप्लाई 2.5 रुपये, तो ये कितना हो गया? 76,000, ठीक है। बेइंग 30,400 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इश्यूड एट 25% प्रीमियम, ये हो गया दूसरा सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। ऑन 1st जनवरी 2019 रितु लिमिटेड इश्यूड 400 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज 1000 ईच एट रुपीज 950। 1 जनवरी 2019 को रितु लिमिटेड ने अपने 400 10% डिबेंचर जो 1,000 रुपए वाले थे उसे 950 रुपए पे 950 में इशू किए, ठीक है। फेस वैल्यू था 1000, पर जो इशू कर रही है कंपनी 950 पे, मतलब 50 रुपीज पर डिबेंचर डिस्काउंट है। होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर्स हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स टू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 25 पर शेयर एट एनी टाइम विद इन 3 ईयर्स। इन डिबेंचर के होल्डर्स को यह ऑप्शन है कंपनी के द्वारा कि वो अपने डिबेंचर को कितने वाले
₹100 वाले 12% प्रेफरेंस शेयर में बदल सकते हैं, लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर मिलेगा उन्हें प्रीमियम पर मिलेगा और ये 3 साल के अंदर कभी भी हो सकता है, ठीक है, जब चाहे वो। ऑन 31st December 2019 वन ईयर्स इंटरेस्ट हैड accrued ऑन द डिवेंचर्स एंड रिमेन्ड अनपेड। क्या है, 31 December 2019 को 1 साल का इन डिवेंचर पर इंटरेस्ट बकाया हो गया और ये अभी तक नहीं पे किया गया है। On that date, a holder of 40 debenture notified his intention to exercise his option. और उसी डेट को इन डिवेंचर होल्डर्स में से डिवेंचर होल्डर 40 डिवेंचर का जो डिवेंचर होल्डर है उन्होंने कंपनी को बताया कि वो इस ऑप्शन का, क्या ऑप्शन है कि भाई डिवेंचर के बदले आप प्रेफरेंस शेयर ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला कि मैं अपने डिवेंचर के बदले प्रेफरेंस शेयर लेना चाहता हूं, मतलब डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर से बदलना चाहता हूं, ठीक है। ये सारे लोगों ने नहीं बताया, सिर्फ 40 डिवेंचर के होल्डर्स ने बोला। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन, हमें जर्नल एंट्री करना है डिवेंचर के इशू और रिडेम्पशन के रिगार्डिंग, और आगे लिखा हुआ इग्नोर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे ध्यान नहीं देना है, मतलब TDS या इनकम टैक्स जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे है उसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी। तो सबसे पहले भाई पैसा आएगा कितना डिवेंचर को इशू करेंगे तो आना चाहिए था 4,400 डिवेंचर, ₹1,000 के दर से बनता 4 लाख, लेकिन जो डिवेंचर इशू किया गया है ₹50 कम पे इशू किया गया है ना, 950 में इशू कर दिया गया है, तो वो ₹50 कम पे इशू किया गया वो डिस्काउंट है उसे घटाते हैं, तो 400 × 50 20,000 ये हो गया डिस्काउंट, मतलब डिवेंचर को इश्यू करके आया कितना 3,80,000। इसके लिए एंट्री क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,80,000। अच्छा डेट है ना, डेट डालते चलते, ये कब हो रहा है 2019 में January 1 को, ठीक है, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये हो गया, उसके बाद में ये एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर उसी डेट को, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10%, अच्छा डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट भी तो दिखाना है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा 3,80,000 और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट ये कितना होगा 20,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 4,00,000 बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अकाउंट ये हो गया। अब इसके बाद में ये तो इशू के टाइम में एंट्री हुआ और December 31 को 1 साल का डिवेंचर का इंटरेस्ट बकाया हो गया था जिसका भी पेमेंट नहीं किया गया, तो December 31 को इंटरेस्ट के लिए एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट बन जाएगा भाई, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे ही होगा ना, तो कितना 4,00,000 रुपए का डिवेंचर है, इस पर इंटरेस्ट है कितना 10%, तो 4,00,000 का 10% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना होगा 4,00,000 का 10% 40,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10%, तो 4,00,000 का 10%
40,000 ये इंटरेस्ट के लिए एंट्री जो कि अभी पे नहीं किया गया, अभी बाकी है। देन इंटरेस्ट ड्यू ये हो गया। अब यहां पे उसी दिसंबर 31 को 40 डिबेंचर के होल्डर ने अपने डिबेंचर को शेयर में बदलने का इंटेंशन इरादा बताया है ना। तो 40 डिबेंचर के हिस्से का डिस्काउंट कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं। ये 20,000 रुपया है 400 डिबेंचर के हिस्से का डिस्काउंट, ठीक है ना। तो शेयर इन डिस्काउंट फॉर 40 डिबेंचर कितना भाई, तो 20,000 मल्टीप्लाई 40/400, ठीक है 10 बार मतलब 2,000 रुपया इसके हिस्से का डिस्काउंट है। और यहां भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पूरा का पूरा जो भी डिस्काउंट है इन डिबेंचर्स पे उसमें से स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा, सारा का सारा जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसे क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में ही। तो उसके लिए अब एंट्री डिबेंचर को रिडीम करने के लिए क्या करते हैं, डिबेंचर जब रिडीम करते हैं तो पहले सबसे पहले डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं। तो दिसंबर 31 को 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 40 डिबेंचर मल्टीप्लाई 1,000 तो 40,000, ठीक है। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना, कितना भाई इसके हिस्से का 2,000, ठीक है। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना देना होगा उन्हें, 38,000, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। अब हम लोग निकाल लेते हैं 38,000 रुपए जो डिबेंचर होल्डर को देने हैं वो क्या देना है, प्रेफरेंस शेयर में देना है। कौन सा प्रेफरेंस शेयर भाई, तो 12% प्रेफरेंस शेयर। तो पहले नंबर ऑफ शेयर कितना देना है उसे वो निकालते हैं, क्योंकि शेयर प्रीमियम पे दिया जा रहा है और शेयर है 100 रुपए वाला। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड, इसके लिए अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। तो अमाउंट पेबल 38,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू शेयर का कितना, 100 रुपया प्लस प्रीमियम कितना है 2,500 रुपया। तो 38,000 डिवाइडेड बाय 125 तो कितना निकलेगा नंबर ऑफ शेयर, 304 प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे। अब इसके लिए एंट्री कर लेते हैं, क्या होगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट उसी दिसंबर 31 को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 38,000 टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, तो 304 देना है ना, थोड़ा इधर से लिखते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 304 शेयर देना है, 304 मल्टीप्लाई 100 तो 30,400, 304 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 30,400 और प्रीमियम कितना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 304 मल्टीप्लाई 25 तो वो कितना होगा 7,600। कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना है, ठीक है। तो ये डिबेंचर होल्डर को दे दिया गया प्रेफरेंस शेयर, बीइंग
प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। अब जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट है उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, तो इसे मिटाते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो डिबेंचर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड ऑफ द ईयर। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना डिबेंचर का इंटरेस्ट भाई, तो 40,000, 40,000 ना, 40,000 ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएल, ठीक है, ये हो गया। अब एक आखिरी सवाल देखते हैं, और वो सवाल है, अभी हम मैंने बताया कि दो तरह की स्थिति बन सकती है अगर डिस्काउंट पे इश्यू डिबेंचर को कन्वर्जन मेथड से रिडीम किया जा रहा है। तो पहला कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी, जिसपे ये सारा सवाल हम लोगों ने देखा, और एक वो सवाल देखते हैं कन्वर्जन ऑन मैच्योरिटी। ऑन April 1, 2017 अंकित लिमिटेड इश्यू 2,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल आफ्टर 5 years बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। रिकॉर्ड एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन। क्या 1 अप्रैल 2017 को अंकित लिमिटेड ने अपने 2009% डिबेंचर ₹100 वाले 10% डिस्काउंट पे इशू किए, और ये 5 साल के बाद इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है इक्विटी शेयर में, जो इक्विटी शेयर होगा ₹100 वाला, और इसे जब टाइम पूरा हो रहा है उसके बाद कन्वर्ट किया जा रहा है, तो फिर कैसे एंट्री करेंगे? तो इशू के लिए एंट्री 2017 में April 1 को क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, तो भाई 2000 डिबेंचर ₹100 वाला तो बनता है 2,00,000, 10% डिस्काउंट, तो 2,00,000 का 10% निकाल दिया तो 20,000 है ना, तो कितना आएगा 1,80,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर, तो April 1 को उसी डेट को 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 20,000, ठीक है, 1,80,000, ठीक है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट 2,00,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट, हो गया ये। अब इसके बाद में रिडेम्पशन का टाइम आएगा, तो 2022 में April 1 को क्या करेंगे, सबसे पहले जब रिडीम करना है तो डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर, तो उसके लिए एंट्री 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 2,00,000, और अब इस स्थिति में
डिस्काउंट जब समय पूरा हो गया उसके बाद में रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर को, तो उस स्थिति में डिस्काउंट ऑन स्टॉक डिबेंचर को अब क्रेडिट नहीं करना है क्योंकि वो सारा का सारा राइट ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा, टू सीधा डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना 2,00,000। अच्छा रिडीमेबल है, प्रीमियम तो नहीं था, नहीं, ठीक है, बेइंग अमाउंट पेबल या ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। और फाइनली क्या किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर दे दिया जाएगा। तो भाई उसके लिए एंट्री उसी अप्रैल 2022 में डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000। नरेशन बेइंग इक्विटी शेयर्स इश्यूड, तो ये एंट्री हो गया। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा कि अगर डिस्काउंट पे इश्यूड डिबेंचर है और उसे रिडीम करना है कन्वर्जन मेथड से, तो फिर उसमें दो स्थिति बनती है, कौन सी, तो कन्वर्जन बिफोर मैच्योरिटी और कन्वर्जन ऑन मैच्योरिटी, और दोनों स्थिति में हम लोगों ने सवाल बनाकर देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।